स्मार्ट सिटी सिर्फ जम्मू ही नहीं, राजौरी क्यों नहीं, पुंछ क्यों नहीं, बाकी जगह क्यों नहीं। नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दैनिक शिफ्ट टाइम से। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। बात करें राजौरी की, तो राजौरी की बात यह है कि वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन जो नहीं कर पा रही, या वहाँ की जो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन नहीं कर पा रही, आज आम व्यक्ति उन चीज़ों को करने का प्रयास कर रहे हैं। समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं सुशील बजरंगी जी, जो एक सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और लगातार आम जनता की आवाज़ बन रहे हैं। वो खास करके राजौरी की डेवलपमेंट को लेकर काफ़ी सक्रिय हैं। हाल ही में कुछ ऐसी चीज़ें सामने आई हैं कि जो एंट्रेंस है राजौरी की, वहाँ पर इन्होंने पेंटिंग का काम शुरू करवाया, जो काम कहीं ना कहीं जम्मू म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का है, पर ये दायित्व इन्होंने उठाया और प्रशासन के खिलाफ भूलकर बोलते हैं, यानी खुलकर दावा बोलते हैं जहाँ पर कमियाँ होती हैं। और वहीं दूसरी तरफ बात करें कोविड की, तो इस महामारी के समय लाखों के हिसाब से इन्होंने जनता को राशन और सुविधाओं का सामान मुहैया किया। एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि आज का दौर कहें अगर हमारी दुनिया कहीं ना कहीं टिकी हुई है, एक तो ये कहेंगे ईमानदारी और दूसरी इस तरह के समाज सेवियों के यकीन पर टिकी हुई है। चलिए आज बातचीत करते, सीधी बातचीत होगी। सुशील जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। रश्मि जी, सबसे पहले आपका धन्यवाद हो और मैं आपको सल्यूट करता हूँ। आप एक आयरन लेडी हो आप, मतलब कि कहते हैं ना कि एक छोटे छोटे मुद्दे क्या बड़े बड़े मुद्दे भी आप भिड़ जाते हो। गलत जो आपको गलत लगता है कि ये चीज़ समाज के लिए और हमारे देश के लिए गलत है, आप उस चीज़ के लिए भिड़ जाते हो, इसके लिए आपको सल्यूट है। और आपने लाइफ में इतना स्ट्रगल किया, आप यहाँ पर पहुँचे हो और लोगों की इतनी सेवा कर रहे हो कि मैं आप कुछ बयान नहीं कर सकता। इसके लिए मेरे दिल के गहराई से और हर पब्लिक जो है वो आपको सल्यूट करती है। थैंक यू सुशील जी, सबसे बड़ा कि आप लोगों के, हमारी जनता से, आप जैसे लोगों की जो मनोबल हमारा बढ़ाते हैं, आपकी अप्रिसिएशन से हम और अच्छा करने का सिर्फ प्रयास कर सकते हैं और समाज में एक अलग सी दिशा देने का प्रयास करें। अब बात करें राजौरी की, आपने एंट्रेंस में ही अब पेंटिंग का काम शुरू है, बड़ा सराहनीय कार्य है, और आप खुलकर बोलते हैं एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ, आखिर क्या नाराज़गी है आपको राजौरी के एडमिनिस्ट्रेशन से? देखिए रश्मि जी, बात ऐसे है कि हमें जनता के काम चाहिए। देखिए आज 35 साल हो चुके हैं, मेरे ख्याल से मैं पैदा नहीं हुआ था तब वो सलानी ब्रिज बना था, तब से लेके आज तक उसके ऊपर किसी ने गौर नहीं किया। उस ब्रिज के जब से वो ब्रिज बना तब से वो वाइट वॉशिंग नहीं हुई, लेकिन मैंने ये देखा कि आज 35 साल हो चुके हैं, देखते देखते 100 साल भी हो जाएंगे, वो जैसे है वैसे का वैसे रहेगा। इसलिए मैंने इनिशिएटिव लिया उसको वाइट वॉश करवाने का। और ये जो एडमिनिस्ट्रेशन है, ये जो एडमिनिस्ट्रेशन बैठी हुई है राजौरी के अंदर, म्यूनसिपलिटी काउंसिल जो बैठी हुई है, इनको दिखाना है कि आप लोगों के काम क्या है। खाली पैसा कमाना काम नहीं है, जनता के काम करने आपको करने पड़ेंगे। करने क्या, करने हैं, पढ़ने नहीं, करने हैं। आप ये देखिए कि इतनी देर हो चुकी है, इतने साल हो चुके हैं, वो ब्रिज जैसा था, एंट्रेंस पॉइंट है मेन, टूरिस्ट भी वो वहाँ से निकलता है, VVIP सभी वहाँ से गुजरते हैं, लेकिन वो ब्रिज वैसे का वैसे पड़ा है। अगर आपका एंट्रेंस पॉइंट ही खूबसूरत नहीं होगा तो इससे आम जनता जो बाहर से आएगी उनका इंप्रेशन क्या पड़ेगा, वो तो ये चीज़ सोचेंगे ये तो कुछ नहीं है राजौरी डिस्ट्रिक्ट अंदर। इसलिए मैंने वो वहाँ पे कलरफुल किया, उसको ट्राई कलर करवाया, और अब मैंने नेक्स्ट जो उसका करना है वो वहाँ पे प्लांटेशन करनी है, उसके ऊपर ब्यूटिफिकेशन करनी है, एक गमले लगाने, जैसे जम्मू के अंदर स्मार्ट सिटी हम देख रहे हैं ब्रिजेस के ऊपर इतना अच्छा ब्रिजेस बने हुए हैं, इसी तरह मैंने सोचा कि मैं अपने पैसों से, ना कि कोई इसमें कोई ठेका है, ना कि कोई टेंडरिंग है, ना कि कोई वो है, मैं अपने पैसों से ये ब्रिज को वो कर रहा हूँ कि लोगों को दिखाना है कि इन लोगों का जो चेयरपर्सन है, ये जो बैठे हुए हैं, इन लोगों का ये काम है, जो इनको करना चाहिए वो मैं कर रहा हूँ, इनको शर्म आनी चाहिए। अगर इनको शर्म है सुशील जी, वही तो शुरू में मैंने कहा स्मार्ट सिटी की जम्मू की बात हम हर जगह क्यों नहीं कहें, राजौरी की बात क्यों नहीं करते, पुंछ की बात क्यों नहीं करते, तो क्यों क्यों नहीं इन चीज़ों पर आपकी वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन ध्यान दे रही? देखिए मैं ये चीज़ उनको बोल रहा हूँ, अगर उनको शर्म हुई, जितने ब्रिजेस बाकी बचे हुए हैं, जब कुछ एरिए बचे हुए हैं, वो उस चीज़ को लेकर वो डेवलपमेंट करेंगे, लेकिन इन लोगों को शर्म ही नहीं है, ये सिर्फ वहाँ पे चेयर पे बैठे हुए हैं, इनको सैलरी लेनी है, इनको कोई काम नहीं करना है। मतलब कि राजौरी का मैं बोलता हूँ, रश्मि जी आप कभी राजौरी में विजिट करें, आप रोडों की कंडीशन देखें। एक बार आपने, आपकी हमने वीडियोज़ आप हमारे पास आई हुई, कई बार हमने अपलोड भी किए हैं, हॉस्पिटल्स की हालत बस से बदतर है, आपने वहाँ की रोड्स की हालत हमें हम तक पहुँचाई है वो बस से बदतर है, तो फिर किस तरह की डेवलपमेंट हो रही है, किस तरह के काम हो रहे हैं, ये तो सोचेंगे कहाँ है वो पंच सरपंच DDC BDC, वो इन चीज़ों पर क्यों नहीं ध्यान दे रहे, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन क्यों नहीं ध्यान दे रहे? देखिए यही इसी चीज़ की तो विडम्बना है,
हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र भाई मोदी जी बोलते हैं स्वच्छ भारत सफाई अभियान। मैं बात करूंगा जो एंट्रेंस पॉइंट सरानी ब्रिज में जो क्लीन रजौरी ग्रीन रजौरी का मैंने स्लोगन दिया है, वो इसलिए दिया है कि मैं अनशन पे वहाँ पे बैठा था, वो वहाँ पे जितनी सिटी की गंदगी थी वो गार्बेज वहाँ पे डंप करते थे, और मैंने 61,80,000 का जो चलान म्यूनसिपलिटी काउंसिल रजौरी को करवाया, अभी तक उन्होंने वो सबमिट नहीं करवाया और अभी भी वो गंदगी डालते हैं। और मैंने पिछले दिनों हाला में मीडिया में भी ये बाइट दी थी कि अभी तक इनको शर्म नहीं आई क्योंकि एंट्रेंस पाई है। चलान तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को करना चाहिए था पर वो आपने करवा दिया। देखिए तो उल्टा उल्टा ही हो गया। यही चीज़ तो मैं बोल रहा हूँ क्योंकि इन लोगों को शर्म ही नहीं है, इन्होंने शर्म ही बेची हुई है, इनको सिर्फ पैसों से मतलब है, महात्मा गांधी जिसको बोलेंगे हम उससे मतलब है इनको, और कुछ नहीं चाहिए, इनको सिर्फ नोट चाहिए और काम कुछ नहीं करना। ग्राउंड इनका देखो जीरो है। आप कभी रजौरी अंदर आके विजिट करें आपको खुद पता चलेंगे कि रजौरी के अंदर कितनी डेवलपमेंट हुई है। मैं तो बोलता हूँ इनको शर्म आनी चाहिए। जो दावे हैं क्या खोखले हैं? खोखले दावे हैं, ओनली फॉर खोखले दावे। और मैं बात करूंगा जितने कितने MLA और MLC और कितने लोग रह चुके हैं, उन्होंने आज तक कुछ नहीं किया, सिर्फ पैसा कमाया और उन्होंने सोचा कि हम अपनी प्रॉपर्टी बना लें, हम अपने घर बना लें, हम बैंक बैलेंस इकट्ठा कर लें, बाकी जनता के लिए उन्होंने कुछ नहीं सोचा, गरीब जनता के लिए। तो क्या करें, गरीब जनता सिर्फ एक वोट बैंक की राजनीति रह गई है सुशील जी? बिल्कुल 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 रश्मि जी, ये बिल्कुल आपकी बात सत्य है, और सिर्फ ओनली फॉर वो राजनीति ही रह चुकी है। वो जनता को वो सिर्फ समझते यूज़ एंड थ्रो, सिर्फ यूज़ किया उसके बाद थ्रो कर दिया। जब ये MLA या MLC बन जाते हैं, जब जनता उनके पास कोई ग्रीवेंस लेके जाती है और ये जनता को एक एक घंटा बाहर खड़े करते हैं, ये हालत है। मतलब कि इनको सिर्फ वोट लेना है, ये भूल जाते हैं कि उसके बाद हम किसी पावर में बैठे हुए हैं और जनता को हमने उसी तरीके से जो जनता को इनवाइट करना है, जब जनता से डील करनी है, जब वोट लेने जाते हैं जनता के हाथ जोड़ते हैं, लेकिन जब जनता इनके पास काम लेके आती है तब ये जनता को एक एक घंटा बाहर खड़ा करते हैं। तो जनता को समझना चाहिए ना कि जब वोट लेने आए तो वो भी ऐसे ही खड़ा करें, सोच समझ कर। देखिए हमारी जनता को जागरूक होना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो दारू में बिक जाते हैं जब इलेक्शन आते हैं, कुछ पैसे में बिक जाते हैं, लेकिन ये चीज़ नहीं करनी। उन जनता के बच्चों का आने वाले जो फ्यूचर है उनका भविष्य है, ये देखना है कि हमारी डिस्ट्रिक्ट के अंदर कितने नौजवान जो बेरोजगार घूम रहे हैं, क्यों घूम रहे हैं बेरोजगार, आखिर कुछ ना कुछ कमियाँ हैं ना। मतलब कि जिन्होंने MSc MEd PhD की हुई है वो लोग जो बच्चे हैं वो बेरोजगार घूम रहे हैं, क्यों बेरोजगार घूम रहे हैं? सुशील जी एक सवाल आपसे ज़रूर करना चाहेंगे कि जिस तरह का माहौल है जम्मू कश्मीर का, हम कहेंगे कि बेरोजगारी पीक पर है, युवा आए दिन शलांगे लगा रहे, कोई तवी ब्रिज से, कोई कहीं और से, कोई गुजरनगर ब्रिज से, और साथ ही साथ ड्रग्स में ज़्यादा मुलविस होते जा रहे हैं, और एक चुनिंदा सरकार का होना कितना ज़रूरी है, और जिस तरह का माहौल चल रहा है हर कोई सड़कों पर है, आपको क्या लगता है कि सोशल एक्टिविस्ट होने के नाते आप क्या कहना चाहेंगे, कौन लोग हैं इन सब परिस्थितियों के पीछे दोषी? देखिए ये सबसे इसके दोषी वही हैं जो पॉलिटिक्स, गंदी पॉलिटिक्स करते हैं, जिनको सिर्फ अपने वोट बैंक चाहिए और अपनी TRP चाहिए और अपना एक नाम चाहिए, जनता को सिर्फ यूज़ करना उन्होंने सीखा है। ये एक सबसे बड़ी बोलते हैं कि एक विडम्बना है। आप देखिए जम्मू के अंदर ही हमारे ऐसे लीडर हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जनता को पता, आपको भी पता है, जो खोखले दावे करते हैं, जो पावर में होके लोगों को झूठ बोलते हैं कि हम आपको परमानेंट करवाएंगे, हम आपको ये करेंगे, हम आपको वो करेंगे, लेकिन मुझे ये बताएं इस धूप में वो लोग बैठ के प्रोटेस्ट करते हैं, धूप में खड़े होते हैं और उनके साथ इतना अत्याचार होता है, क्यों होता है? ये लोग ही करवाते हैं। यार मैं इन लोगों को आपके चैनल के माध्यम से ये बोलना चाहूँगा, एक दिन मृत्यु सबको आनी है, मरना सबने है, आप ऊपर जाके क्या जवाब दोगे? आप अगर गलत काम करोगे, हम सब मरने के लिए आए हुए हैं, ना कि कोई अमर है। ये इनको समझना चाहिए, इन लोगों को ये सोच ही नहीं है, इनके माइंड में ये कंसेप्ट नहीं है। ये बोलते हैं हम किसी संगठन के साथ जुड़े हैं, हमारे अंदर प्रिंसिपल हैं, हमारे अंदर संगठन की भावना है। क्या यही भावना है? क्या यही भावना है कि ये लोग ऐसे घूम रहे हैं? हैं, हिंदुस्तान अगर हिंदुस्तान नाम है तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। डेमोक्रेसी है, हर किसी को हक है बोलने का, यहाँ पर जो भी आवाज़ उठाते या तो उसको जेल के अंदर डाल दिया जाता है, ये चीज़ जो है सबसे बड़ी गलत बात है। हर किसी को अपना हक मिलना चाहिए और बेरोजगारी सबसे पहले दूर होनी चाहिए। जितने बेरोजगार हैं उनको रोजगार मिलना चाहिए। जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो ऐसे घूम रहे हैं, वो ऐसे मत घूमे। ये अगर रोजगार मिलेगा तो हर चोरी, डकैती, टेररिस्टिज्म, ये जितना क्राइम बढ़ रहा सब खत्म हो जाएगा। अगर रोजगार अच्छा मिलेगा, एक भी क्राइम नहीं मिलेगा। सुशील जी एक आखिरी सवाल करना चाहेंगे,
जिस तरह से आप गतिविधियां कर रहे हैं, आप आए दिन कोई ना कोई मुद्दा उठाते रहते हैं, प्रशासन के खिलाफ डट कर बोलते हैं, क्या आने वाले समय में आप भी कहीं पॉलिटिक्स का दामन तो नहीं थामने वाले सियासत का? देखिए रश्मि जी, मैं शुरू से जो है मैं फॉलो करता हूँ बाला साहब ठाकरे जी को जी। बाला साहब ठाकरे जी को मैं फॉलो करता हूँ, जिन्होंने आज तक इलेक्शन नहीं लड़ा, लोगों की आवाज़ उठाई है, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, उन्होंने देश के हित की बात की है, ना कि देश के खिलाफ कोई बात की है। मैं उनको फॉलो करता आया हूँ, वो डॉक्टर प्रवीण भाई तोगड़िया जी को फॉलो करता आया हूँ, आज भी मैं उनके साथ हूँ। मैंने इलेक्शन नहीं कंटेस्ट करना, इलेक्शन एक गंदगी है। कल अगर मैं जीतूँ ना जीतूँ लोग मुझे तोलेंगे 1500 वोट 1000 वोट, क्यों? ये गंदगी मैंने नहीं लेनी। मेरे से जितना होगा मैं लोगों की सेवा करूँगा, मेरे पास फंडिंग हो ना हो मैं लोगों से भीख मांगूंगा, लोग मुझे भीख देंगे मैं लोगों की सहायता करूँगा जैसे भी, लेकिन इलेक्शन कभी कॉन्टेक्ट नहीं करूंगा। नहीं साफ तौर पर कहना, साफ तौर पे कि आप सियासत में नहीं, नहीं ये गंदगी है, ये सियासत में चला गया इसका मतलब मैं चोर हूँ, मैं करप्शन करूंगा, मैं सियासत में नहीं जाता। साफ तौर पर आपने कहा कि जो सियासत में जाता है वो गंदगी वो करप्शन करता है, करप्शन कर नहीं, मैं साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो इस समय सियासत में जाता है वो गंदगी है, वो करप्शन करता है। मैं मानता हूँ, मैं डेफिनेटली बोलता हूँ मैं इस गंदगी में नहीं जाना चाहता, मैं हाथ जोड़ के बोलता हूँ मैं सिर्फ समाज सेवा। जिस तरह के हालात अब जम्मू कश्मीर में देखने को, ये कड़वा सवाल है, शायद आपको जवाब दे ना दे आप पर निर्भर है, जिस तरह के सवाल है, हाहाकार हर जगह मची हुई है, बिजली को लेकर, पानी को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, महंगाई को लेकर, इससे पहले हालात क्या लगता था, इस तरह के हालात थे पहले? ईमानदारी से बोलिए। बिल्कुल सही बात है, ऐसे पहले कभी हालात नहीं थे, लोग पीसफुल थे। आज की डेट में देखो पटियाला में देखो, जहाँ हम दिल्ली की बात करेंगे, हर जगह दंगे फसाद क्यों हो रहे हैं? ये दंगे फसाद कौन करवा रहा है? इन लोगों को शर्म नहीं है? अगर हिंदू को कुछ होगा तो उसके माँ बाप को कितना दुख होगा, मुस्लिम को होगा उसके माँ बाप को कितना दुख होगा, लेकिन इन लोगों को शर्म ही नहीं है। इनको ये है कि दंगे करवाने और हमने अपनी सियासत चमकानी और हम धर्म की राजनीति खेलनी है। यस, और अपनी सियासी रोटियां सेकनी। बिल्कुल, इसलिए मैं लोकतंत्र ये जो है ना ये राजनीति मैं इस पर ट्रस्ट नहीं करता, मैंने खुद करना है, मैं सिर्फ देश के लिए हूँ और देश को मैं आगे ले जाऊँगा। आप मानोगे कि हमारी रजौरी डिस्ट्रिक्ट 20वें नंबर पे आई है। क्यों 20वें नंबर पे आई है? डेवलपमेंट पे नाम पे 20वें नंबर पे आई है, सबसे लास्ट पे क्यों आई है? करप्शन की वजह से। वहाँ जितने ऑफिसर बैठे हुए हैं उन्होंने सिर्फ पैसा कमाना है, डेवलपमेंट की बात नहीं करनी। उनको शर्म होनी चाहिए यार, अगर आप कहीं चेयर पे आपको किसी भगवान ने या किसी ओहदे पे आप पहुँचे हो, अपनी मेहनत से पहुँचे हो या भगवान के आशीर्वाद से पहुंचे हो, तो आपको लोगों के काम करने चाहिए, आपको लोगों की एक दुआएं लेनी चाहिए, ना कि बद दुआएं लेनी चाहिए। तो फिर क्यों नारा लगाया जाता है भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, तो अभी भी पीक पर है कहीं ना कहीं? ये सिर्फ खोखले दावे हैं, इनके खोखले दावे, एक पॉलिटिकल स्टंट जिसको बोलते हैं, एक अपने पब्लिक के सामने, लेकिन पब्लिक आज अवेयर हो चुकी है, हर पब्लिक को पता है कि क्या सही है और क्या गलत है। जी धन्यवाद। देखिए ये थे हमारे साथ समाज सेवी सोशल एक्टिविस्ट सुशील बजरंगी, जिन्होंने एक दावा एक बीड़ा उठाया और साफ तौर पर कहा कि सियासत जो है गंदगी है, करप्शन का अड्डा है, जो इस गंदगी में कूदेगा वो समझिए वो करप्शन को कहीं ना कहीं बढ़ावा देने जा रहा है। साफ तौर पर बहुत बड़ा सवाल या निशान खड़ा किया है सियासत पर, और कहीं ना कहीं जो काम वहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन रजौरी की एडमिनिस्ट्रेशन को करने चाहिए वो सुशील बजरंगी अपने दम पर कर रहे हैं। स्मार्ट सिटी जम्मू ही क्यों, रजौरी क्यों नहीं, पुंछ क्यों नहीं, नौशहरा क्यों नहीं, कठुआ क्यों नहीं, हर डिस्ट्रिक्ट में स्मार्ट सिटी होनी चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट स्मार्ट होना चाहिए, तभी हमारे देश, हमारा जम्मू कश्मीर खिलता हुआ एक कमल की तरह नज़र आएगा, फूल की तरह नज़र आएगा। और जब तक ये करप्शन पर रोक नहीं लगाई जाएगी, भ्रष्टाचारियों पर शिकंजा नहीं कसा जाएगा और आम जनता साथ नहीं देगी, तो ऐसे ही चलता रहेगा। कहीं ना कहीं इन्होंने कहा कि ये बड़े खुले दिल से कहीं ना कहीं वहाँ के रजौरी के प्रशासन को आड़े हाथों लेते हैं और बीड़ा उठाया है कि वहाँ पर करप्शन पर ज़रूर ऐसे लोगों को एक्सपोज करेंगे और जनता की मदद करने के लिए हमेशा वहाँ की डेवलपमेंट के लिए, चाहे खुद से ही क्यों ना करना पड़े, ज़रूर शाना बशाना खड़े रहेंगे और करते रहेंगे। अपने कमेंट सुझाव ज़रूर हम तक पहुँचाइए, और आपकी अगर कोई भी रजौरी ज़िले में, अगर किसी को भी रजौरी डिस्ट्रिक्ट में किसी को भी कोई अगर दिक्कत आती है, हम सुशील जी का नंबर डाल देंगे, आप इनसे संपर्क करके अपनी समस्या को किसी हल तक यानी कि हल करने में आपका ज़रूर मदद करेंगे। और इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए हमारे अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।